जोधपुर शहर के माता का थान क्षेत्र में दो युवकों की पुलिस के परेड कराई जाने और मुंडन करवाए जाने के विरोध में आज विश्नोई समाज एकत्रित हुआ। विश्नोई समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और पुलिस के रवैये पर आपत्ति जाहिर की। शहर के माता का थान में आपसी रंजिश के बाद हुए विवाद के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले दो जनों को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को पुलिस ने मौके पर परेड करवाते हुए दो आरोपियों को माता का थान थाने से लेकर बाजार तक सिर मुंडन करके घुमाया गया। इसको लेकर आक्रोश जताते हुए शनिवार को बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर पहुंचे और धरना देकर विरोध जताया। इसके बाद समाज का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला और ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया गया कि पुलिस ने इस घटना के बाद जो रवैया अपनाया वो अवमाननीय है। पुलिस खुद की कोर्ट बन गई है और इस तरीके के बेइज्जत कर बीच बाजार घुमाया कौन सा न्याय किया है। इसीलिए इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही उन अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई। उप जिला प्रमुख विक्रम विश्नोई ने बताया कि माता के थान में हुई घटना के बाद बजरी का काम करने वाले दो मजदूर राकेश और मालाराम, जिसका हिस्ट्री शीट सागर के साथ कोई लेना देना नहीं है, पुलिस के कहने पर उन्होंने सिलेंडर करवाया था, लेकिन पुलिस ने इनके बाद जो बर्ताव किया वो गलत था। यदि इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो विश्नोई समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की होगी। तो समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया है कमिश्नर साहब को, क्या आपका विरोध है, किस तरह से? कुछ दिन पूर्व जो दो लड़कों ने सरेंडर किया था, एक कुछ घटना हुई थी माता के थान थाना क्षेत्र में, तो उसमें उन लड़कों ने पुलिस के सामने सरेंडर की। सरेंडर के बाद उन्होंने सब पुलिस की जांच में सहयोग किया। उन दोनों लड़कों पे कोई ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने उन पे हमला किया था। उन पे पिस्टल के तीन फायर हुए थे, फिर तो उसकी पिस्टल लॉक हुई। अब यहाँ पुलिस का फेलियर है, क्योंकि यदि वो सुरक्षित होता, ये जोधपुर सुरक्षित होता तो आज किसी के पास अवैध हथियार नहीं होता, वो उसके ऊपर हमला नहीं करता। अब यदि हमला कर रहा है तो वो पुलिस के भरोसे वो गोली तो खाने से रहा, वो गोली नहीं खाएगा तो उसे लड़ेगा। तब लड़ते हुए बस विश्नोई का खून है गर्म हुआ और उसने उसको मारा पीटा ज़्यादा। बाकी हमला पहले करने वाले ओम प्रकाश थे और उसके बाद हमने पुलिस की मदद की, प्रशासन की हमने मदद करके उनको समझा इसके भाई आप लोग पेश हो जाओ और अपना मुकदमा आप दर्ज करो। उनका पुलिस ने उनकी एक FIR दर्ज हुई। उसके बाद जो कल की घटना है, जो कल की घटना में उन दोनों युवकों को माता के थान क्षेत्र में पब्लिकली उनको टकला करके उनके मुंडन करके उनको घुमाया गया, तो वो बिल्कुल गलत है मैं समझता हूँ। पहले मैंने कमिश्नर साहब को भी ये की बात कही, उन लड़कों दोनों को रिलीज किया जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो उसको बिना कोर्ट में पेश किया आप लोगों ने उसको सजा दे दी, तो अब आज वो लड़के किस बात के लिए, अगर मान लो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, तो आपने पुलिस इतनी खुद में एडजुडिकेट कर रही है कि खुद ही फैसला सुना के उसको खुद ही उन्होंने पनिशमेंट दे दिया और उनको ऐसे घुमा दिया। और आगे भविष्य में यदि वो लड़के जब भी जुडिशियल कस्टडी से बाहर आते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चाहे वो भी आपके DCP वेस्ट जिम्मेदार होगी या आपके जोधपुर कमिश्नर जिम्मेदार होगा। तो हमारी फिर कमिश्नर साहब से बात हुई, इस पर वार्ता की और ये पूरी जाँच का हम जिला चेंज करेंगे और एक उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे। उसके अलावा जो भी इसमें सम्मिलित जो भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने जांच का आश्वासन दिया? बिल्कुल, जांच का आश्वासन दिया है, वो जल्दी आज ही जांच शुरू कराएंगे। तो अब हमें ये आशा है कि अब ये जो इन्होंने जो गलतियाँ की है तो गलतियों पे अगर अब अपनी गलतियाँ सुधार के ये तरीके से चलेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, हम भी इनका आगे सहयोग करेंगे। बाकी यदि अब आगे भी ये गलती करेंगे तो इनको इनका खामियाजाना पूरे जोधपुर प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कितने का अल्टीमेटम दिया आपने समय सीमा? हमें 24 घंटे का हमने किया है, उसमें हमको आश्वस्त यदि होंगे कि भाई पुलिस अपना कार्य सही से कर रही है और उन सामने वाले दोषी को अगर गिरफ्तार कर पा रही है तो हम देखेंगे। बाकी पुलिस की आप पुलिसिंग देख सकते हैं कि वो सामने दो आरोपी
बोल रहा हूँ कि आप पकड़ पाओ तो पकड़ो, हम आपके सहयोग करके उनको लड़कों को पेश करा रहे हैं और आप ऐसी कुरीतियाँ उन लड़कों के साथ कर रहे हो वो गलत है, और आगे उनके मानसिक तौर पे उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे क्या बीतेगी वो आप सोचो। एक बड़ा एक गलत स्टेप है मैं समझता हूँ, और इतनी कोई उन्होंने कुरीति नहीं की कि जब इतना बड़ा अपराध भी नहीं है जब उनको ऐसे गंजा करके उनको घुमाएगा, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं।